बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक, जहां पर आज तक कोई भी समुद्री जहाज या हवाई जहाज पहुंचा है तो वो कभी वापस नहीं आया, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, मैं हूं तखारा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक के बारे में, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बहुत सारे थ्योरीज होंगी, बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है। विजिबल ट्रायंगल नहीं है, पर इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो ट्रांसपोर्ट मिलता है और ना ही उस ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे, ट्रैवल कर रहे स्टाफ और पैसेंजर्स। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित ब्रिटेन ओवरसीज एरिया, मतलब ब्रिटेन के प्रवासी क्षेत्र है। ये फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर और कनाडा से 1350 किलोमीटर की दूरी पर है। बरमूडा ट्रायंगल अब तक एक मिस्ट्री, एक रहस्य है और यहाँ गायब हो चुके जहाज़ों के बारे में कोई भी पुख्ता खबर नहीं है। फिर भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 2000 शिप्स और 75 एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं। ना जाने कितने जानों को ये बरमूडा ट्रायंगल अपने अंदर समा चुका है। इस बेहद खतरनाक, जानलेवा और रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाले गतिविधियों के बारे में लिखा था। आगे पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा, आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियो। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हादसे बताऊं जिन्होंने खौफनाक मंजर की तरह इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली है। 4 दिसंबर 1872 में सेलेस्टी नाम का एक मर्चेंट जहाज जो बरमूडा ट्रायंगल में एंटर होते ही लापता हो गया, वो अटलांटिक महासागर में पाया गया। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जहाज में मौजूद लोग, इंसान, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के पैसेंजर, किसी भी इंसान का कोई भी वजूद नहीं मिला, किसी भी इंसान की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। और कुछ ऐसा ही 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम के जहाज़ के साथ भी हुआ था। एक बार तो अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वार्डली 309 क्रू मेंबर्स के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज़ से रवाना हुए। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते वक्त उस बहरूपीय कब्रिस्तान में वो कहीं गुम हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त वो मैसेज भेज रहे थे कि हाँ अभी तक सब कुछ ठीक है, क्योंकि उस दिन थोड़ा मौसम भी बिगड़ा हुआ था, पर अचानक सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया और वो आज तक डिस्कनेक्ट है। वहीं फ्लाइट 19, स्टार टाइगर्स, डैगर्स, DC-3 और ना जाने ऐसी कई विमान, कई एरोप्लेन्स जिन्होंने उड़ान तो भरी पर बरमूडा ट्रायंगल को पार करते हुए वहीं रास्ते में कहीं गुम हो गए। उन्होंने उड़ान तो भरी पर कभी लैंड नहीं हुए। दोस्तों पहली थ्योरी अब तक की सबसे ज़्यादा माननीय, मतलब सबसे ज़्यादा बिलीव करे जाने वाली थ्योरी है। यह थ्योरी अभी हाल ही में साइंटिस्ट द्वारा दी गई है, हेक्सागोनल क्लाउड। कहा जाता है कि ये हेक्सागोनल क्लाउड्स हवा में एक बॉम्ब ब्लास्ट की पावर रखते हैं। इनके साथ 170 माइल पर ओवर रफ्तार वाली हवाएं रहती हैं और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेहद तेज़ हवाओं से ये बादल पैदा होते हैं। ये बादल एक ब्लास्ट की तरह समुद्र की सतह से टकराते हैं और सुनामी से भी कई ज़्यादा ऊंची लहरें पैदा करते हैं। मीथेन गैस, कुछ लोगों का मानना है कि जहाज़ों के गायब होने के पीछे मीथेन गैस का हाथ है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में मीथेन गैस भारी मात्रा में मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये मीथेन गैस पानी में रिलीज हो जाती है तो वो शिप्स और प्लेन्स को अपने अंदर खींच लेते हैं, जहाज डूब जाते हैं और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए उनका कुछ पता नहीं चलता, वो लापता हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा वाक्य, पूरा का पूरा कार्यक्रम कुछ ही सेकेंड्स में पूर्ण हो जाता है। वॉर्म होल, साइंस फिक्शन के डाई हार्ड फैन के लिए ये वॉर्म होल थ्योरी बहुत ज़्यादा अपीलिंग है।
वर्म होल बेसिकली एक स्पेस टाइम शॉर्टकट होता है जिसके जरिए आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वर्म होल टाइम ट्रैवल को अलाउ करता है। हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि हाँ वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं, पर चूंकि ये एक थ्योरी है लोग इस पर बिलीव करते हैं। वाटर स्पाउट्स एक तरह के टॉर्नेडोज होते हैं जो हवा और पानी से बनते हैं। ये सीधे तूफानी बादलों से उतरते हैं और समुद्री सतह पर अपना केंद्र बनाते हैं। वाटर स्पाउट समुद्र के उन हिस्सों में बनता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और समुद्री पानी का जो तापमान होता है वो वहाँ मौजूद हवा से ज़्यादा होता है। वाटर स्पाउट 50 मीटर तक के डायमीटर में फैले होते हैं और इनकी स्पीड 80 माइल पर आवर की होती है। ये किसी भी विमान को बेकाबू करने और उसको दूर फेंकने की क्षमता रखते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बरमूडा ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये जाहिर है कि उन जहाज़ों के गायब होने के पीछे इनका हाथ हो सकता है। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रही है कि इस 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एक बेटर क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।